नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान, आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। VM सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद की प्रिंसिपल प्रवीण वशिष्ठ ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। जिम्मेवार कौन? तो VM स्कूल की प्रिंसिपल प्रवीण वशिष्ठ जी ने बताया कि सीधा सीधा भगवान का डर खत्म हो जाना या भगवान से दूर हो जाना। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि पेड़ से जैसे पत्ता गिर जाता है, उसी तरीके से जो भगवान से दूर हो जाएगा उन सभी में, चाहे जीव है, जंतु है, व्यक्ति है, उसमें नैतिक मूल्यों में गिरावट आना स्वाभाविक है। मतलब शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। मैं मिसेस प्रवीण वशिष्ठ, प्रिंसिपल VM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो ये स्कूल पिछले 25 साल से शिक्षा दे रहा है उस कॉलोनी में दे रहा है जहाँ पर लोग बाहर से आके बसे हैं, जिनका यहाँ पे अपना ठिकाना नहीं था। मेरे विचार में आर्थिक स्तर पे जो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास है उनके बच्चों को हम पिछले 25 साल से शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे काफ़ी CA बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर बने हैं, जिनका हम बहुत प्राउड फील करते हैं। और मेरे विचारों में शिक्षा का स्तर जो हम दे रहे हैं उसमें और भी सुधार करेंगे। जो शिक्षा का स्तर प्राइमरी सेक्शन से जो शुरू होना चाहिए, जहाँ पर बेस बनता है, हम कोशिश करते हैं कि प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को बहुत बढ़िया हर सब्जेक्ट की ऐसी नॉलेज दें कि वो आगे जाके उनका बेस बन जाए और वो आगे जाके साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेना चाहें उसमें वो आगे बढ़े। दूसरा, एक शिक्षा का स्तर हमारा 9वीं क्लास से बनता है। 9वीं क्लास में क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, 5वीं तक बहुत बढ़िया बच्चे रहते हैं कई बार, लेकिन वो 8वीं 9वीं तक आके टीन एज में आ जाते हैं, जिसमें उनके शरीर में बदलाव आता है, मन में बदलाव आता है। उस पर भी हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर भी एक बार रुक के शिक्षा का स्तर हमें देखना पड़ता है कि हम बच्चे को किस तरह से चेंज करें, किस तरह से उसको शैक्षिक प्रवृत्ति में लाया जाए, किस तरह उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो अपना बेस बना के 12वीं तक अपने करियर का बेस बना ले और अपना करियर चूज़ कर पाए। दूसरा, फिर हम शिक्षा का 11th क्लास में फिर ध्यान देते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद फिर वो अपना करियर के लिए, जिसने साइंस ले लिया वो साइंस ले लेता है, जिसने कॉमर्स ले लिया वो कॉमर्स ले लेता है, उसके पास फिर कोई और चॉइस बचती नहीं है। क्योंकि जिसने साइंस ले लिया वो CA नहीं बन पाता है, या जिसने एक बार कॉमर्स ले लिया वो डॉक्टर नहीं बन सकता आगे। तो हम उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं 10th में कि बहुत सोच समझ के अपने दिल से डिसीजन लेना कि तुम्हें जीवन में क्या बनना है, ताकि तुम उसमें जाके आगे कामयाबी हासिल करो। आज मैडम नैतिक मूल्यों में गिरावट निरंतर देखी जा रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? मेरे विचारों में इसमें सभी बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सबसे पहला नैतिक शिक्षा देना घर से शुरू होता है, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट योर होम। अगर माँ बाप एक नैतिक मूल्य वाले हैं, माँ बाप अगर अपने बच्चे को शुरू से संस्कार दे रहे हैं, जो कि आज के समाज में बहुत कम है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, नहीं दे पाते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट नहीं रख पाते हैं, भगवान से नहीं जोड़ पाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने का टाइम उनके पास नहीं है, क्योंकि
अधिकतर परिवारों में दोनों माता पिता नौकरी कर रहे हैं, सुबह इतना भाग दौड़ का जीवन जी रहे हैं कि कई बार तो मैं जब बच्चों से बात करती हूँ, 60% बच्चे ऐसे हैं जो सुबह पूजा करके ही नहीं आते हैं, जो 50% बॉयज़ में ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं क्लासेस 9 to 12। तो जब बच्चे माँ बाप से नहीं जुड़े होंगे, भगवान से नहीं जुड़े होंगे, तो उनका नैतिक स्तर पे बढ़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा जिम्मेवारी आती है स्कूल की। स्कूल में बच्चे आते हैं, आजकल स्कूल मोस्टली प्रोफेशनल हो गए हैं, पढ़ाई देते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बट नैतिक मूल्यों पर, बीच में हमारे करिकुलम में भी बुक्स हट गई थी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि नैतिक मूल्यों पर उनकी एक संस्कारशाला करके हम एक पीरियड रखते हैं, योगा का एक पीरियड रखते हैं, ताकि उनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल हो। नैतिक मूल्य जीवन में लाने के लिए आपका अपने शरीर पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हम योगा क्लासेस कराते हैं जो स्कूल में कंपलसरी होनी चाहिए, और नैतिक मूल्य पर बेस्ड किताबें जो हैं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, जो इस साल से CBSE दोबारा शुरू कर रहे हैं। मेरे विचार में नैतिक मूल्य में गिरावट सबसे ज़्यादा उसका बड़ा कारण है जब आदमी का कनेक्शन भगवान से हट गया है, ना उस भगवान से स्कूल जोड़ पा रहा है, ना उस भगवान से माँ बाप जोड़ पा रहे हैं, ना उस भगवान से समाज जोड़ पा रहा है। जहाँ बच्चा भगवान से दूर होता है, पेड़ से पत्ता दूर होते ही ख़त्म हो जाता है। सेम अगर हम कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर से हट जाते हैं तो हमारे नैतिक मूल्यों में अपने आप ही गिरावट। मैडम, आज के समय में यौन शिक्षा को क्या अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? यौन शिक्षा पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होनी चाहिए, अधिकतर देशों में ये है, और हमें भी, जबकि हम साइंस में साइंस के करिकुलम में हमारे चैप्टर्स आते हैं, बट मैंने देखा कई स्कूल वो चैप्टर्स ही छुड़वा देते हैं। ये जो हमारे चैप्टर्स है 8 onward आते हैं, बट मेरे हिसाब से इनको 6 onward हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आजकल शरीर में बदलाव 10 से 12 साल की उम्र में आने लग गए हैं बच्चों में, तो इसलिए 6th class से यौन शिक्षा का प्रबंधन गवर्नमेंट को करना। मैडम, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है कि इन्होंने एक शिक्षा को व्यवसाय बनाकर छोड़ दिया है, कहां तक आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बेसिकली प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा। उनको स्कूल को सारी सुविधाएँ बच्चों को देनी पड़ती हैं, और टीचर्स को जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के हिसाब से देनी पड़ती है। गवर्नमेंट का ये प्रेशर होता है कि प्राइवेट स्कूल में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूल, आप सरकारी आंकड़े उठाइए, एक बच्चे पे सरकार 3000 रुपये महीना खर्च करती है, एक बच्चे पे सरकार का जो खर्चा है 3000 रुपये महीना है। अगर प्राइवेट स्कूल 3000 रुपये महीना फीस लेता है तो वो ये लगता है कि वो लूट रहा है, जबकि वो लूटना नहीं है, वो सुविधाओं के हिसाब से, स्टाफ के हिसाब से, मतलब जो फैसिलिटीज़ देते हैं उसके हिसाब से लेता। हाँ, कुछ स्कूल बहुत ज़्यादा लेते हैं, उस पर लोग करते भी हैं, केस भी करते हैं, उसके खिलाफ भी जाते हैं। वो बेसिकली CBSE के हिसाब से स्कूल अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़। मैडम, पहले गुरु दक्षिणा शिक्षा के अंत में ली जाती थी, अब शिक्षा शुरू होने से पहले ले ली जाती है, आप इस तर्क में क्या जवाब देंगे? उसका यही रीज़न है कि अगर फैसिलिटीज़ मैं पहले ना दूँ, पहले गुरु शिक्षा अलग थी, पहले एक राजा का बच्चा भी गुरुकुल में जाके शिक्षा लेता था, सारी सुख सुविधाएं छोड़कर गुरुकुल में जाके जंगलों में रह के लकड़ी चुपके लाता था, गुरु के लिए काम करता था, तब शिक्षा पाता था। आज बच्चे को पहले स्कूल में AC भी चाहिए, पंखे भी चाहिए, एक दिन 10 मिनट लाइट चली जाए तो माँ बाप आके खड़े हो जाते हैं, जी हमारे बच्चे तो बिना लाइट के बैठे। अगर आप सारी फैसिलिटीज़ दोगे तो बाद में दक्षिणा लेके क्या मिलेगा?